नमस्कार प्राइम टीवी के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। बॉलीवुड और राजनीति का एक अलग ही रिश्ता है। बॉलीवुड में धूम मचाने के बाद अब पुष्पा की एंट्री राजनीति में हो गई है। सिनेमा के सितारों का अंदाज राजनीतिक प्रचार और बयान में भी अब नजर आने लगा है। वहीं साउथ की फिल्म पुष्पा की इन दिनों काफी चर्चा हो रही है। हर कोई पुष्पा का दीवाना है और इसके डायलॉग हर किसी की जुबान पर है। चुनावी माहौल में भी अब इन डायलॉग की धूम मची हुई है। देखिए प्राइम टीवी की एक खास रिपोर्ट। पुष्पा का खुमार चुनावी प्रचार पर भी छाया हुआ है। उत्तराखंड के गंगोली हाट में पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपनी बात मतदाताओं तक पहुंचाने के लिए फिल्मी डायलॉग का सहारा लिया है। हमारा पुष्कर धामी न झुकेगा, न किसी भी सूरत में रुकेगा। इस पर न सिर्फ उन्होंने मजेदार अंदाज में अपनी बात कही बल्कि सीधे सीधे कांग्रेस को नसीहत दी कि बीजेपी को हल्के में ना ले। अपना पुष्कर फ्लावर भी है और अपना पुष्कर फायर भी है, यह कांग्रेस को समझना चाहिए। राजनाथ सिंह ने कहा कि आजकल फिल्म पुष्पा का नाम काफी चर्चा में है और हमारे सीएम का नाम पुष्कर है, लेकिन ये पुष्कर नाम सुनकर कांग्रेस के लोग समझते हैं कि ये पुष्कर तो फ्लावर है। लेकिन मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि अपना पुष्कर फ्लावर भी है और फायर भी है। हमारा पुष्कर न कभी झुकेगा न कभी रुकेगा। अपना पुष्कर फ्लावर भी है और अपना पुष्कर फायर भी है, यह कांग्रेस को समझना चाहिए। और हमारा पुष्कर धामी ऐसा है कि हमारा पुष्कर धामी न झुकेगा, न किसी भी सूरत में रुकेगा। हमारा पुष्कर सदा आगे बढ़ता रहेगा। पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? फ्लावर नहीं, फायर है। उत्तराखंड के साथ पंजाब में भी पुष्पा का फीवर सिर चढ़कर बोल रहा है। जब ईडी ने रेड मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के करीबियों के यहाँ डाली तब बड़ा राजनीतिक बवाल मचा। तब कांग्रेस ने एक पोस्टर जारी किया था जिसमें लिखा था कि ईडी की रेड मारो या झूठे आरोप लगाओ, चन्नी झुकेगा नहीं। वहीं अपनी बात को जनता तक पहुंचाने के लिए और वोटर्स को आकर्षित करने के लिए नेता अक्सर फिल्मों का सहारा लेते रहते हैं, लेकिन जनता असल में किससे प्रभावित होगी वो 10 मार्च को ही पता चलेगा। प्राइम टीवी से आरती तिवारी की रिपोर्ट। तरफ देश में चुनावी माहौल है तो वहीं पुष्पा का फीवर भी हर किसी पे चढ़ा हुआ है। जहां सोशल मीडिया हो या फिर चुनाव, हर तरफ अब प्रचार के लिए भी पुष्पा का ही सहारा लिया जा रहा है। जहां उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी हैं, तो राजनाथ सिंह ने उनका नाम पुष्कर झुकेगा नहीं इस साथ संबोधन में लिया। तो वहीं पंजाब की राजनीति में भी पुष्पा का फीवर देखने को मिला। तो अब राजनीति में जब पुष्पा की एंट्री हो गई है और पुष्पा का फीवर चढ़ा है तो अब 10 मार्च को पता चलेगा कि जैसे फिल्म इंडस्ट्री में पुष्पा धूम मचा रही है तो वैसे ही क्या इसका असर राजनीति पर भी देखने को मिलेगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।